मलाइका अरोड़ा और अमृता अरोड़ा के पिता अनिल कुलदीप मेहता का गुरुवार को अंतिम संस्कार हुआ, मुंबई के सांता क्रूज हिंदू शमशान घाट में हुआ, जहां मलाइका की मां जायसी, बहन अमृता, मलाइका के बेटे अरहान खान, उनके एक्स हस्बैंड अरबाज खान से लेकर इंडस्ट्री के सितारे श्रद्धांजलि देने पहुंचे। लेकिन एक्ट्रेस मलाइका अरोड़ा के पिता अनिल मेहता की मौत ने पूरी बॉलीवुड इंडस्ट्री को हिलाकर रख दिया। 11 सितंबर बुधवार की सुबह तकरीबन 9 बजे अनिल ने आयशा मैनर बिल्डिंग की अपनी बालकनी से कूदकर आत्महत्या कर ली। बताया जा रहा है कि अनिल बीमार थे और परेशान भी थे। अनिल ने अपनी मौत की सुबह बेटी मलाइका अरोड़ा और अमृता अरोड़ा से बात की थी। उन्होंने जिंदगी से तंग आ जाने के बारे में दोनों से कहा था। अब उनकी मौत की वजह का खुलासा हो गया है। दरअसल आपको बता दूं कि अनिल की डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया था और पोस्टमार्टम में जो रिपोर्ट निकलकर सामने आई है उससे बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। रिपोर्ट के अनुसार अनिल की मौत शरीर में बहुत सारे चोटें लगने के कारण हुई है। पोस्टमार्टम के बाद मलाइका अरोड़ा के परिवार को अनिल मेहता का पार्थिव शरीर लौटा दिया गया था। आज उनका अंतिम संस्कार हो रहा था। मलाइका अरोड़ा और उनके परिवार ने अनिल मेहता की मौत पर आधारित बयान भी जारी किया। उन्होंने इसमें कहा है कि हम इस बारे में बताते हुए बेहद दुख हो रहा है कि हमारे प्यारे पिता अनिल कुलदीप मेहता अब नहीं रहे। वो एक नंबर इंसान, अच्छे नाना, प्यारे पति और हमारे बेस्ट फ्रेंड थे। हमारे परिवार गहरे सदमे में है। हम मीडिया और शुभचिंतकों से इस मुश्किल वक्त में प्राइवेसी की दरख्वास्त करते हैं और अपनी समझ, सपोर्ट और इज्जत की प्रशंसा करते हैं। अनिल के बारे में बात करते हुए उनका कहना है कि अनिल बेहद खुशमिजाज और मिलनसार इंसान हैं। उनके देख करके कोई भी नहीं कह सकता था कि वो किसी बीमारी से परेशान थे या फिर कोई और बात उन्हें अंदर से खा रही थी। हालांकि अनिल को किस बात का दुख था ये वो इसके बारे में कुछ भी कहना मुश्किल है। अनिल को क्या परेशानी थी इसके बारे में तो वो खुद ही जाने। बांद्रा पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। पहली नजर में मामला खुदकुशी का जरूर दिखा रहा है, लेकिन पक्के तौर पर पुलिस भी कुछ नहीं कह रही। 62 साल से अनिल मेहता को सुसाइड नोट छोड़कर नहीं गए, लेकिन इस केस में दावा किया जा रहा है कि अनिल एक डायरी लिखते थे। जी हाँ, सूत्रों ने इसका दावा किया है और जानकारी मिली है कि अनिल अपनी डायरी में रोजमर्रा की चीजें लिखते थे, लेकिन ये कड़ी भी वहां जाकर के फंस गई जब पुलिस को अनिल की ये डायरी भी नहीं मिली। जांच टीम अनिल की इस डायरी की तलाश कर रही है। साथ ही उम्मीद की जा रही है कि अनिल की इस डायरी में घटना से जुड़ी कुछ बातों का खुलासा हो सकता है। वैसे तो अभी तक कथित तौर पर ही ये कहा जा रहा है कि अनिल ने सुसाइड किया है, लेकिन अगर सच में अनिल ने आत्महत्या की है तो हो सकता है कि उनकी डायरी में इसको लेकर के कुछ हिंट या फिर सुसाइड की वजह का खुलासा हो जाए। इस वक्त पुलिस के सामने सबसे बड़ी चुनौती अनिल मेहता की डायरी को ढूंढना है। देखने वाली बात होगी कि क्या पुलिस इस डायरी को खोज पाएगी या नहीं।